नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होम फर्स्ट फाइनेंस एंड स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड के IPOs का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 2 फरवरी 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिगो पेंट्स के IPO की लिस्टिंग आज मार्केट में हो चुकी है और उसमें उतना ही गेन मिलता हुआ नज़र आया है जितना कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें करीब 1000 रुपये से ऊपर का गेन प्रति शेयर के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है और जैसे ही इतना गेन आपको देखने को मिले आपको इस IPO में से एग्जिट करना है यानी कि प्रॉफिट बुक करना है। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं करीब 2700 रुपये पर वो IPO लिस्ट होता हुआ आया और उसके बाद उसमें जो है थोड़ी सी गिरावट हुई और अभी करीब 2500 रुपये के आसपास यानी कि करीब 1000 रुपये के प्रीमियम के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हमने जो जो आपको बताया था एकदम सही और सटीक था। अब देखिए, कल मैंने आप जब वीडियो डाला था तो लोग बोले थे ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो करीब 800 रुपये के करीब चल रहा था, लेकिन आप इसमें 1000 रुपये 1200 का गेन कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है वो केवल आपको डायरेक्शन देता है कि IPO किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, माहौल इतना अच्छा हो गया था कि इसमें भर भर कर गेन आपको मिलने वाला था, तो उसी हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया और आपको बताया। देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कभी भी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता है। तो अगर ये 800 रुपये था तो ये अंदाज़ा लगाने वाली बात थी कि इसमें 800 रुपये से ज़्यादा 1000 रुपये 1200 रुपये तक का गेन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप जो है जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उसका जो उपयोग है वो केवल अंदाज़ा लगाने के लिए करें, एग्जैक्ट फिगर के लिए बिल्कुल ना करें। तो चलिए, हम सबसे पहला जो IPO अभी बचे हुए हैं लिस्ट होने के लिए वो है होम फर्स्ट फाइनेंस का IPO। तो चलिए देख लेते हैं, इस IPO में आपने जो है 21 से 25 तारीख के बीच में अप्लाई किया था और इसका जो है अलॉटमेंट भी आ चुका है। अलॉटमेंट आपको 31 तारीख को मिल गया था कि किस किस को ये IPO मिला है, किस को नहीं मिला है। और उसके बाद अब इसकी लिस्टिंग जो है कल मार्केट में होने वाली है यानी कि 3 फरवरी के दिन। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये IPO भी अलॉट हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि भाई इसमें कितना गेन मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो 70 रुपये चल रहा है यानी कि 518 रुपये की इशू प्राइस के ऊपर इसमें 70 रुपये यानी कि करीब करीब 588 रुपये का गेन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर अपने अनुमान की बात करूँ, जैसे कि मैंने कल लगाया था इंडिगो पेंट्स में, यहाँ पर आपको करीब 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में गेन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया यहाँ पर गेन देखने को मिल सकता है और करीब इतने के आसपास तो मिलना ही मिलना है, यह पक्का मान लीजिए। और अगर आपको ये IPO अलॉट हुआ है तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे, आपको इतना गेन ज़रूर मिलने वाला है यानी कि करीब 30 से 40% का गेन जो है आपको कहीं नहीं गया। और मैं तो रेंज थोड़ा बड़ी भी रखूंगा, 30 से 50% का गेन आपको मिल सकता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए अगर आपको ये अलॉट हुआ है और लोग बोल रहे हैं कि इसमें गेन नहीं मिलेगा तो वो झूठ बोल रहे हैं। आप निश्चित रूप से इसको रखे रहें और कल का इंतज़ार करें। अगर बात करें हम नेक्स्ट IPO की तो वो है अपना जो है स्टोव क्राफ्ट का IPO। स्टोव क्राफ्ट का IPO जो है आपने 25 से 28 तारीख के बीच में इसमें अप्लाई किया था और इसका अलॉटमेंट आपको कल के दिन या आज के दिन देखने को मिल सकता है। देखिए, अलॉटमेंट आने ही वाला है तो इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है जो IPO है इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला था। हालांकि रिटेल कैटेगरी में इसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ था जो कि करीब 27 गुना के आसपास था, यानी कि हर 27 में से एक लोग को ये IPO मिलने वाला है। तो भाई इंतज़ार कीजिए किसको ये IPO मिलेगा। अब मैं बात करूँ अपने अनुमान की तो इस IPO में आपको 100 रुपये से लेकर, मान लीजिए 100 रुपये से लेकर आपको 150 रुपये के आसपास तक गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि इसका जो इशू प्राइस है, देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जीरो चल रहा है नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको 100 से 150 रुपये तक का प्रीमियम मिल सकता है। यानी कि इसका जो इशू प्राइस है 385 रुपये का, तो उसके हिसाब से ये होता है करीब
20% से लेकर 40% के बीच में, तो इतना गेन आपको देखने को मिल सकता है। और आप यकीन मानिए करीब इतना ही गेन आपको देखने को मिलेगा। तो आप बस दुआ कीजिए कि आपको ये IPO अलॉट हो जाए, और आपको अगर ये IPO अलॉट होता है तो आपको लिस्टिंग के दिन एक बढ़िया रणनीति अपनानी चाहिए कि आपको अगर ये IPO मिलता है तो आपको क्या करना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको IPO अलॉट होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, वो उसी दिन नहीं बेचते हैं, रखे रहते हैं, तो फिर उनका जो हाल होता है या तो बर्गर किंग की तरह होता है, वेक्टर्स फूड की तरह होता है, कैमकॉन की तरह होता है, इसी तरीके से होता है। तो मेरा हमेशा मानना यही रहता है कि आपको किसी भी IPO में अगर बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है 20-30-40 या उसके ऊपर कितना भी, तो आपको लिस्टिंग के दिन ही उस IPO में से एग्जिट करना है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो देखिए मेरी यही रणनीति होती है और मैं ही आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। देखिए यहां पर मैं जो भी बता रहा हूं वो केवल अपने अनुमान से बता रहा हूं और ये केवल जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहां पर मैं किसी को भी ऐसा जो भी मैं बता रहा हूं वैसा करने के लिए सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं अपने अनुमान से कि वो चीजें जो मैं बताता हूं वो मैक्सिमम सही होती हैं। तो देखिए जिस जिसको ये IPO अलॉट हुए हैं या जिस जिसको IPO आगे आने वाले समय में अलॉट होने की संभावना है या उनको लगता है कि भाई मुझे हो जाए, मुझे एक भी नहीं हुआ है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि कौन कौन चाहते हैं कि हमें ये IPO अलॉट हो जाएं। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।